हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप यू आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम किसके साथ फोटो एडिट करने वाले हैं। हाँ जी गाइस, आज हम हनी पाजी के साथ एक फोटो एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस, आपको फुल स्टेप देखना है, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके समझ में आएगा एंड आप भी अपनी फोटो हनी पाजी के साथ एडिट कर पाओगे। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा है, हनी पाजी ने अपना कमबैक कर लिया है एंड गाइस, उनका भी एक गाना रिलीज हो चुका है अभी, देसी कलाकार। तो गाइस, आपको कैसा लगा मुझे आपको कमेंट में बताइए एंड हनी पाजी का कमबैक हुआ है या नहीं या बेस्ट है तो ये भी मुझे कमेंट में बताना गाइस। तो मेरे हिसाब से तो कमबैक हो चुका है गाइस, हनी पाजी इससे भी बेस्ट बेस्ट सॉन्ग लाने वाले हैं एंड सभी की शायद करने वाले हैं गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हनी पाजी के साथ इस फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है लास्ट तक, तभी आप अपनी फोटो की बना पाओगे। तो गाइस, जिस प्रकार की मैंने एक पोज दे रखी है, इसी प्रकार की एक पोज में आपको एक फोटो क्लिक कर लेनी है। करने के बाद गाइस इसमें जो बैकग्राउंड है एंड जो हनी पाजी अपने, इन सभी की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको वहां डाल दूंगा, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, बहुत दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पर कमेंट्स एंड डीएम भी आ रहे थे कि भाई इस फोटो के ऊपर एक हमें एडिटिंग चाहिए, तो जल्द से जल्द लेकर आओ गाइस एंड हम भी इस फोटो को बनाना चाहते हैं हनी पाजी के साथ। तो गाइस, आपके कमेंट एंड डीएम के अनुसार मैं इस फोटो की ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो जहाँ तक लगेगा मुझे गाइस, डेली आपको ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिलेंगी सेलिब्रिटी की एंड सभी के साथ। एंड मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए एंड आपको ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, अभी तो मैं आपको एक फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, बहुत सारी वीडियो मैंने कॉन्टेंट लिखे हुए हैं, सभी के टॉपिक पर मैं लाने वाला हूँ। सेलिब्रेट हुए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हुई एंड आपको जैसे कि पिक्सआर्ट के फुल कोर्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के लिए बीएन ऐप एंड आपके कैपकट ऐप के बारे में सभी की ट्यूटोरियल वीडियो में लाने वाला हूं। तो अभी के लिए गाइस, मैं इस फोटो को आपको एडिट करके दिखाऊंगा हनी पाजी के साथ। तो विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड, गो। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको पिक्से प्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गेट ए पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप अपनी गैलरी में जाएंगे एंड हनी पाजी की आपके बैकग्राउंड को लेकर आ जाना है। इसको आपको मैक्सिमम इसके रख लेना है गाइस। उसके बाद हनी पाजी के बैकग्राउंड को लाने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है गाइस। तो गाइस, हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर पर जाएंगे। यहाँ के गाइस, आपने अपनी मॉडल की पीएनजी जो शूट की थी आपने, उसको आपको ले आना है एंड इसकी आपको पीएनजी बना लेनी है। पीएनजी कैसे बना लें, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उसके बाद गाइस, आपको अपनी फोटो को अच्छी प्रकार से एडजस्ट करना है। गाइस, आपको एडजस्ट करने में भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसे बिल्कुल आराम से एंड बारीकी से आपको करना है अच्छी तरीके से। तो गाइस, आपको अच्छी प्रकार से ही इसे एडजस्ट करना है जिससे कि हमारी फोटो परफेक्ट लगे गाइस। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, तो आपको देख लेना है, शुरू में तो आपको मेहनत लगती है गाइस। तो उसके बाद गाइस, आपको इस प्रकार अच्छी प्रकार से इसे एडजस्ट कर लेने के बाद, देख सकते हो गाइस, हमने इसे एडजस्ट कर लिया है। जो जो चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ जाएगी मैं आपको बताता चलूँगा गाइस। तो आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई है। तो गाइस, अब क्या करते हैं गाइस, तो इसे एडजस्ट करने के बाद गाइस, हम इसे सिंपली क्या करेंगे, इसके कलर मैचिंग करेंगे। थ्री डॉट पर जाकर आपको इसकी सैचुरेशन को देख ले, कम या ज़्यादा करके देख लेना है, जिससे कि हनी पाजी का जो कलर मैचिंग है वो हमारे चेहरे से थोड़ा मैच हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी सैचुरेशन को 31 रखा है एंड फिर से मैं थ्री डॉट पर जाऊंगा गाइस एंड थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा, इफेक्ट पर जाऊंगा एंड इस पर मैं आरजीबी लाइट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें गाइस रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर का एक टोन होती है, इनको आपको अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जिससे कि हमारी कलर मैचिंग हो जाए गाइस। तो कलर मैचिंग होने के बाद आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। इस प्रकार अब जैसे कि मैं रेड को +3 किया है एंड ग्रीन को +2 एंड ब्लू को -4 के -2, -1 अपने हिसाब से रख लेना है गाइस, जो ये आपको आप पर डिपेंड करता है। तो आप जितना रख रखते हैं उसके बाद से डन कर देना गाइस। इतना होने के बाद मैंने उसे आपको टोटली डन कर दिया।
आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चलना है, इंसर्ट पिक्चर में जाके एन हनीपाजी के साथ जिसके साथ एक फोटो थी उस फोटो को आपको लेकर आ जाना है। इसमें आपको देख रहा होगा कि हनीपाजी का एक हैंड है, इसको आपको ले लेना। जैसे कि इसकी मैं अपोसिटी को कम कर लूँगा, जैसे अपने हैंड को जिस प्रकार बराबर में मुझे रखना है, कहाँ रखना है उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। इस फोटो की लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा सभी की। तो कैसे इस प्रकार अपनी अपोसिटी में कम करके अब जो हनीपाजी का जो हैंड है वो आ रहा है अपने कंधे पर, तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा अपने कंधे पर इस प्रकार। तो देख सकते हो गाइस, इस प्रकार एडजस्ट करने के बाद एक बार मैं डन करूँगा। एक बार ही करना है आपको, इरेज वाले ऑप्शन पर जाकर सभी ऑल फोटोज़ को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको ब्रश सेलेक्ट करनी है दोबारा से अगेन। उसके बाद आपको हनीपाजी का जो हैंड है वो ही आपको ब्रश करना है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं ब्रश को सेलेक्ट किया एंड करने के बाद जितना भी हनीपाजी का हैंड था उसे मैं ले लूँगा गाइस, जैसे प्रकार आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा इस, तो आपको इसे परफेक्टली करना है जिसे हैंड हमारा परफेक्टली कटआउट हो जाए। तो हैंड को मैंने कटआउट कर लिया गाइस। इस प्रकार कटआउट करने के बाद इरेज वाले, जैसे कि आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है इरेज का, तो जहाँ से भी आपको ज़्यादा या कम हो जाता है वो आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। जैसे कि इरेज वाला ऑप्शन है एंड ब्रश वाला ऑप्शन है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ब्रश से आप अगेन इसे कर सकते हैं सेटअप, एंड कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाता है तो आप इसे इरेज वाले ऑप्शन पर जाकर इसे कटआउट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो, तो आप देख सकते हो इस प्रकार मैं जैसे कि मैं कटआउट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी इस कटआउट करनी है गाइस। तो इस प्रकार मैं कटआउट कर लेता हूँ जिससे कि टाइम की बचत हो जाएगा इस। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपने हैंड का कटआउट कर लिया हनीपाजी के, तो एंड अपने जो जो गर्दन है उस पर इसे मैं अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर लूँगा। तो एडजस्ट होने के बाद गाइस आपको ट्रांसफॉर्म पर जाकर दोबारा से गाइस इसे अगर एडजस्ट करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, अगर आपका लग रहा है आपको हैंड हमारा ठीक है तो आपको एज इट इज रहने देना है। तो अच्छी प्रकार से करने के बाद इसे सिंपली आपको देख लेना है कि हमारा हनीपाजी का हैंड हमारे कंधे पर अच्छी प्रकार से एडजस्ट हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है तो आपको थ्री डॉट पर जाकर ट्रांसफॉर्म पर जाकर आप अपने हैंड को एडजस्ट कर सकते हैं अगेन गाइस। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे गाइस, जैसे कि अच्छी प्रकार से मैं इसे पहले तो कटआउट कर लेता हूँ, थोड़ा हो रहा है। तो होने के बाद गाइस आप देख सकते हो परफेक्टली हमारा हैंड का कटआउट हो चुका है, अच्छी प्रकार से हमारी हनीपाजी की जो हैंड है वो अच्छी प्रकार से सेट हो चुका है। उसके बाद इसको डन कर देना, यहाँ तक हमारा काम होता है गाइस पिक्सेल प्रो ऐप का। हम इससे चलते हैं पिक्सार्ट ऐप में, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इसमें ही आपको आपका आपके फ़ोन में पिक्सार्ट ऐप होगा तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली यहाँ से ऐप मिल जाएगा। तो पिक्सार्ट पर आपको क्लिक करना है एंड ये डायरेक्टली आपको अपने पिक्सार्ट ऐप में लेकर चले जाएगा अपने फ़ोटो को। तो गाइस देख सकते हो मैं अपने पिक्सार्ट ऐप में आ चुका हूँ गाइस, देख सकते हो गाइस। तो हमें इस पिक्सार्ट ऐप में करना क्या है, तो हम अब चले जाएंगे गाइस इसमें स्टिकर वाले ऑप्शन पर। तो एंड यहाँ हम सर्च करेंगे शैडो, क्योंकि हमारे हैंड पर जो हैंड है हनीपाजी का वो थोड़ा फेक सा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ी शैडो क्रिएट करेंगे तो अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस एक टिप्स मैं आपको बताता हूँ फोटो में गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस हमारे फोटो में शैडो क्रिएट करना। अगर हमारे फोटो में हम शैडो क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा फोटो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा एंड बेकार फोटो बनेगा गाइस। तो आपको ध्यान रखना है शैडो आपको अच्छी प्रकार से ही एडजस्ट करनी है, जहाँ जहाँ आपको शैडो चाहिए वहाँ आपको शैडो क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद गाइस आपका जो आपको डन कर देना है शैडो क्रिएट करने के बाद, उसके बाद गाइस यहाँ तक हमारा काम होता है जो शैडो हमने क्रिएट यहाँ कर ली थी, वैसे कोई काम नहीं था पिक्सार्ट का तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद अपने फोटो को लाइटरूम ऐप में लेकर आ जाना है आपको, तो लाइटरूम ऐप को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ अपने फोटो की करनी है गाइस हमें कलर ग्रेडिंग, तो कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं सिंपली तरीके से दिखाऊँगा गाइस। तो अपने फोटो को मैंने ले लिया है, तो गाइस इसमें आपको लाइट एंड कलर ग्रेडिंग एडजस्ट करनी है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं चलूँगा अपने लाइट वाले ऑप्शन पर। गाइस आप लाइट को दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, एक तो आपको डायरेक्टली कर सकते हो अपने हिसाब से एंड आपको ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो का, तो आपसे क्लिक करके आपकी
लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लाइट एडजस्ट करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारी लाइट एडजस्ट हो गई। अगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको लाइट कितनी चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो लाइट एडजस्ट होने के बाद आपको चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पर। तो कलर्स वाला जो लाइट के साइड में ही कलर्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो लाइट्स एडजस्ट होते ही हमारी कलर्स वाले ऑप्शन पर चलेंगे। तो कलर्स पर आने के बाद आप देख सकते हो आपको मिक्स टूल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आपको टून होती है, इसको आपको एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो के हिसाब से गाइस। जैसे कि गाइस मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से यूज़ किया है इन टोन को, तो आपको अपने ये टून होती हैं, जैसे कि गाइस जैसे ह्यू होता है एंड सेचुरेशन होती है एंड ल्यूमिनेंस होता है, ये अपने फ़ोटो के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है, तभी आपका फ़ोटो अच्छा बनेगा गाइस। जैसे कि मैं अपनी टून है अपने फ़ोटो के हिसाब से ही इनको एडजस्ट कर लेना। जैसे कि गाइस देख सकते हो येलो टून है, ग्रीन टून है, स्किन टून है एंड गाइस ब्लू टून है। तो आप सभी टून को अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको देख सकते हो गाइस मैं अपने टोन को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपको टेंट एंड ये टेम्परेचर है इसको भी आपको अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो के साथ। उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसकी टेम्परेचर, क्लियरिटी एंड डैजेज है, इसके डैजेज को आपको अपने हिसाब से ही रख लेना है। तो +5 4 में रख सकता हूँ उतनी, तो +5 ही रखूँगा, -5 में रखूँ 4। उसके बाद गाइस आपको बिग्नेट ये डैजेज मेरे पास से दोबारा सा ऑप्शन वो हो गया, तो बिग्नेट का ऑप्शन देखो मिल जाए आपको, तो बिग्नेट को मैं -5 रख लूँगा। नीचे चलते ही आपको फर्दर को मिक्स्ड वो होता है, तो इसको आपको कम या ज़्यादा करके देख लेना अपने फोटो से। रूडनेस को भी आप देख सकते हो। एंड गाइस इसमें आपको ग्रेन को आपको जरूर डालना है, ग्रेन आपको जैसे कि 15 या 20% आपको ग्रेन रखनी है। एंड इसकी साइज है उसको आपको 0 कर देना है, 0 कर लेना आपको साज को। उसके बाद गाइस आपको चलना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, इसकी शार्पनेस को आपको 50 तक रख लेना है। उसके बाद गाइस आपको इसको मास्किंग एंड नोड रिजेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको गाइस एक साथ प्रेस रखना है, अपनी उंगलियों से एक साथ प्रेस करना है इसको। आपको तब तक एक साथ प्रेस रखना है जिसमें हमारी फ़ोटो की क्लियरिटी ना आ जाए गाइस। जिस प्रकार हमारे जैसे कि देख सकते हो मैंने एक साथ अपने फ़ोटो की जो प्रेस किया हुआ है, तो हमारे फ़ोटो में इस प्रकार एक क्लियरिटी आ जाती है एक साथ प्रेस करने। तो इसकी नोड रजिस्टर एंड मास्किंग को भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो गाइस इस प्रकार करने के बाद गाइस आप देख सकते हो हमारे फ़ोटो की परफेक्टली कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हो कलर मैचिंग हमारी फ़ोटो की बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये फ़ोटो पसंद आई हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है गाइस एक वीडियो को बनाने में, तो आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता गाइस, लाइक तो कर ही देना एंड शेयर भी कर देना। एंड सभी की लिंक मैं अपने डीएलडीओ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो